हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर में हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स टॉपिक की शुरुआत की थी। आज उसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है डिस्पर्जन रिलेशन। ऑफ मोनोएटॉमिक सॉलिड्स डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ मोनोएटॉमिक सॉलिड्स, मतलब रेखीय जो सॉलिड हैं उनका प्रीक्षेपण संबंध आज हम निकालेंगे। प्रीक्षेपण संबंध क्या होता है, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, वो हमारा क्या था, ओमेगा और के मध्य रिलेशन था। ओमेगा और के मध्य जो रिलेशन था उसको हमने डिस्पर्जन रिलेशन कहा था। तो मोनोएटॉमिक सॉलिड्स हैं, या फिर इसको मैं लीनियर बोल देता हूँ, लीनियर मोनोएटॉमिक सॉलिड्स हैं, उनके लिए हम आज निकालते हैं डिस्पर्जन रिलेशन। ओमेगा और के मध्य क्या रिलेशन उनमें आएगा। तो लीनियर एटॉमिक सॉलिड है, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर होगी और एटम हैं वो एक जैसे होंगे। मोनोएटॉमिक का मतलब उसमें जितने भी एटम्स हैं वो एक ही जैसे होंगे, सिमिलर होंगे, और लीनियर का मतलब वो रैखिक स्ट्रक्चर इसकी होगी। कल हमने डिस्कस किया था कि जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, सॉलिड के अंदर वाइब्रेट करते हैं, और वो जो वाइब्रेशन है वो किसके रूप में संचरित होता है सॉलिड में, वो प्रत्यास्थ तरंग के रूप में संचरित होता है। और उस प्रत्यास्थ तरंग के ओमेगा और के में जो रिलेशन है वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्पर्जन रिलेशन कहलाता है। तो अब जो एटम थे उनको हमने क्या माना था, दोलक माना था, क्या माना था, ओसिलेटर माना था। तो मैं एक लीनियर एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इनफाइनाइट उसमें एटम है, और उन सबको हम मान सकते हैं इस तरीके से कि वो स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। क्यों, क्योंकि वो दोलन कर रहे हैं और स्प्रिंग से जुड़े हुए एटम भी क्या करते हैं, हमारे दोलन करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक स्ट्रक्चर है वो इस टाइप की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एटम्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, और वो जो जुड़े हुए हैं उनको हम मान सकते हैं कि वो एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। इस टाइप के ये जो एटम्स हैं, ये स्ट्रक्चर है हमारी, ये जो एटम्स हैं वो जुड़े हुए हैं किससे, स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। तो ये जो सॉलिड है हमारा वो क्या कहलाएगा, लीनियर सॉलिड। कैसा कहलाएगा, लीनियर। मोनो एटॉमिक का मतलब इसमें ये जितने भी एटम हैं वो सारे क्या हैं, समान हैं, एक ही टाइप के एटम हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये एक इनफाइनाइट एटम्स की एक सीरीज है, और इसके अंदर प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, एम है। क्या है, मास ऑफ ईच एटम, प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान वो हमारा कितना है, एम है। और इसकी जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, अंतर परमाणुविक दूरी, जिसको हम लैटिस कांस्टेंट भी कहते हैं कभी कभार, जालक नियतांक, ये हमारा कितना है, इसका ए है। अर्थात दो नियरेस्ट एटम्स के बीच की जो दूरी है वो हमारी कितनी है, ए है। ये जो स्ट्रक्चर है हमारी वो क्या है, जब ये एटम जो सॉलिड है हमारा वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। किसमें है, इक्विलिब्रियम में। अगर हमने इसको क्या किया था, कल हमने देखा था या लास्ट क्लास में देखा था कि अगर इसको हीट दी हमने तो क्या किया, एटम वाइब्रेट करना शुरू हो गए। तो हम ये मान लेते हैं जब ये वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं एटम्स, उस समय ये अपनी मीन पोजीशन से, माध्य स्थिति से क्या हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। और ये जो एटम्स हैं इनका मैं नामकरण कर लेता हूँ, सपोज कर लेते हैं अपन, ये हमारा एन वा एटम है, ये एन प्लस वा एटम प्लस वन है, और ये एन माइनस वन वा एटम है जिसका द्रव्यमान कितना है, एम। सभी का द्रव्यमान कितना है, अपना एन द्रव्यमान है। तो ये एन माइनस टू हो जाएगा, ये एन माइनस थ्री हो जाएगा, ये एन प्लस टू और ये एन प्लस थ्री।
तो इसका मतलब क्या हुआ, हम मान रहे हैं ओरिजिन पे कहीं इधर पीछे, जब ये इनफाइनाइट सीरीज है कहीं ओरिजिन है, और ये एन वा आइटम है उसका, ये एन प्लस वा है, एन प्लस टू वा आइटम है, एन प्लस थ्री वा आइटम ये हमारा है। जब इक्विलिब्रियम से ये इनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जब हम क्या कर रहे हैं इसको हीट दी है तो ये क्या है स्प्रिंग है, वो क्या करेगी खींचेगी। तो हम मान लेते हैं वो स्प्रिंग खींच के यहाँ आ गई है, और अब जो हमारा जो एटम है वो इस पोजीशन पे पहुँच गया। तो ये जो एटम था हमारा n माइनस वन वा वो यहाँ पहुँच गया है, n वा एटम था वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ पे आ गया है, और ये एटम इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ पे चला गया है, और ये एटम इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ चला गया है। तो ये जो डेविएशन आया है इनके मध्य, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है वो दूरी n माइनस वन वे एटम का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं बोल लेता हूँ यू एन माइनस वन, एन वे एटम का डिस्प्लेसमेंट यू एन, और एन प्लस वे वन वे एटम का डिस्प्लेसमेंट एन यू एन प्लस वन, और ये यू एन प्लस टू। इस तरीके से सारे एटम है वो डिस्प्लेस्ड। ये हमारी कंडीशन कौन सी थी, मीन पोजिशन वाली मध्य अवस्था की स्थिति थी, और ये कौन सी है हमारी विस्थापित अवस्था की कंडीशन। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हमने किया है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हमने जो सॉलिड था उसको माना है कि वो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है और इस टाइप की उसकी स्ट्रक्चर है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखो, अगर मैं एन वे एटम की बात करता हूँ, किसकी, सिर्फ एन वे एटम की बात अगर मैं करता हूँ, तो उसका द्रव्यमान कितना है हमारा एम है, कितना द्रव्यमान है एम है, सभी का एम है। अब इस एन वे एटम पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स है वो कितना लग रहा है, कितना बल इस पे लग रहा है। देखो ये एन वा एटम था हमारा, जब इसको खींचा स्प्रिंग से तो ये स्प्रिंग खींच गई है इसकी, और जब स्प्रिंग खींची है तो ये स्प्रिंग इसको इधर खींच रही है, ये वाली स्प्रिंग इसको इधर खींच रही है, और ये वाली स्प्रिंग इसको इधर खींच रही है, खींच रही है नहीं खींच रही है। और अगर मैं इस दिशा को पॉजिटिव अक्ष मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, पॉजिटिव अक्ष, अक्ष डायरेक्शन मान लेता हूँ मैं इसको, तो ये स्प्रिंग है वो इस पे कितना बल लगाएगी, इस एटम पे, एन वे एटम पे ये जो वाली स्प्रिंग है वो कितना बल लगाएगी, इस स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा यू एन प्लस वन माइनस यू एन है कि नहीं है, इस स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट, ये स्प्रिंग है वो कितनी खींची है, यू एन प्लस वन माइनस यू एन खींची है, तो इस स्प्रिंग में खिंचाव आ गया वो इतना आ गया। अगर इसका जो बल नियतांक है इस स्प्रिंग का वो कितना है, बीटा है, तो ये जो फोर्स है वो कितना लगाएगी, बीटा यू एन प्लस वन माइनस यू वन, ये वाली स्प्रिंग किस दिशा में, प्लस एक्स दिशा में। इस स्प्रिंग में खिंचाव कितना आया है, इसमें खिंचाव आया हमारा यू एन माइनस वन, आया कि नहीं आया। फोर्स कांस्टेंट कितना है, बीटा, ये किस दिशा में खींच रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो चिन्ह कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो ये जो हमारा फोर्स है वो किस पे लग रहा है, एन वे एटम पे फोर्स लग रहा है, एफ यू एन, एन वे एटम का जो फोर्स है वो हमारा ये लग रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, बीटा इंटू यू एन प्लस वन माइनस और माइनस प्लस, प्लस यू एन माइनस वन माइनस यू एन और एक माइनस यू एन, तो माइनस टू यू एन आएगा कि नहीं आएगा। ये हमारा क्या आ गया है, नेट फोर्स आ गया है किस पे, एन वे एटम पे, कौन से एटम पे आया है, एन वे एटम पे हमारा नेट फोर्स आ गया है। तो इस नेट फोर्स को मैं लिख सकता हूं क्या, एम इंटू डी टू यू एन बटे डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा यू एन प्लस वन प्लस यू एन माइनस वन माइनस टू यू एन, कोई दिक्कत है क्या।
इसको मैं लिख देता हूं समीकरण एक, ठीक है। अब ये जो समीकरण है, अब हमें पता है इसमें जो तरंग है वो कैसी संचरित हो रही है, प्रत्यास्थ तरंग संचरित हो रही है। तो एन वा एटम है वो क्या कर रहा है, ओसिलेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, ओसिलेशन कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं उस एन वे एटम का जो ओसिलेशन का जो समीकरण है वो यू एन इज इक्वल टू क्या है, ए एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स एन। एक्स एन क्यों लिखा है, क्योंकि ये एन वे एटम की स्थिति है। अब एक्स एन की वैल्यू आप मेरे को बताओ, देखें कितनी आएगी। हमें पता है इन दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए है। तो जो जीरो वा एटम था जहां पे मूल बिंदु था वहां से लेके एन वे एटम की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, एक्स एन की वैल्यू वो हमारी हो जाएगी एक्स एन इज इक्वल टू एन इंटू ए, होगी कि नहीं होगी। जैसे सपोज करो अपना ये ओरिजिन है, तो पहले एटम की दूरी कितनी हुई ए, दूसरे की 2a, तीसरे की 3a, चौथे की 4a, तो एन वे एटम की दूरी कितनी हुई मूल बिंदु से, एक्स एन इज इक्वल टू एन ए। तो ये मान मैं यहां रखता हूं तो यू एन इज इक्वल टू क्या आएगा, ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के इंटू एन इंटू ए। इसको मैं कहता हूं समीकरण दो। कोई दिक्कत है क्या इसमें, यहां तक बहुत सी, इसके बाद पूरी मैथमेटिक्स है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, सिंपल सा है। समझने लायक जो चीज थी वो अपनी यहां तक थी। ये समीकरण एक बार आपने लिख लिया तो फोर्स हमें पता है कितना होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण एम इंटू डी टू यू एन अपॉन डी टी स्क्वायर लिख दिया मैंने। बाकी इसमें सारी सिंपल चीजें हैं। ये इक्वेशन एक बार आपको समझ में आ गई तो उसके बाद कोई दिक्कत इसी इक्वेशन इस समीकरण में आपको नहीं होगी। तो ये जो डायग्राम है इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। आपको ध्यान रखना है क्या क्या हमने माना है। इसको भी मिटा लेता हूं, ये समीकरण हमें जरूरत पड़ेगी, इसको मैं रख लेता हूं। अब देखो ये हमारा n वा एटम है, ठीक है। इसकी लेफ्ट साइड देखो समीकरण एक की क्या है, m इंटू डी टू यू एन अपॉन डी टी स्क्वायर। इसका मतलब इस यू एन का डबल डेरिवेटिव अपने को करना है। करो देखें, डी यू एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना आएगा, क्यों आई, अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन हमने माना है वो इसी समीकरण का सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा ये। तो इसका मान निकाल लेते हैं अपन, डी यू एन अपॉन डी टी अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, आयोटा ओमेगा ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के इंटू एन ए। डबल डेरिवेटिव करूंगा इसका, डी टू यू एन अपॉन डी टी स्क्वायर, तो क्या आएगा, आयोटा ओमेगा की स्क्वायर ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन इंटू ए। जिसको मैं लिख सकता हूं क्या, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए किसकी वैल्यू है, यू एन की। इसका मतलब हमारा डी टू यू एन अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर यू एन आ गई। ये सोल्यूशन हमारा एन वे एटम के लिए था। अगर एन प्लस वन वा एटम होता तो यू एन प्लस वन हमारा क्या आता, एन की जगह एन प्लस वन हो जाता, तो ये सॉल्यूशन हमारा होता ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के इंटू एन की जगह क्या जाता, एन प्लस वन इंटू ए। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए, लिख सकता हूं डॉट ई की पावर के एन ए, तो क्या बच गया, माइनस आयोटा के आएगा कि नहीं आएगा, ये आयोटा है और ये माइनस का के है और इसके साथ ए। इसको वापस अपन इसी तरीके से लिख सकते हैं, ये मान हमारा किसका है, यू एन का। इसका मतलब मैं यू एन प्लस वन को क्या लिख सकता हूं, ई की पावर माइनस आयोटा के ए डॉट यू एन, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैं अगर यू एन माइनस वन लिखता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए ई की पावर आयोटा
ओमेगा टी माइनस के इंटू एन माइनस वन इंटू ए, जिसको मैं लिख सकता हूं ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए डॉट ई की पावर आयोटा के ए, जिसको हम लिख सकते हैं यू एन डॉट ई की पावर आयोटा के ए। ये वैल्यू किसकी है? हमारी यू एन माइनस वन की। तो ये समीकरण दो हो गई थी, इसको समीकरण तीन लिख देते हैं और इसको समीकरण चार लिख देते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसा कि ये इसको अपन ने ऐसा लिखा है, उसी तरीके से ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। ये जब चारों मान आ गए, यू एन की वैल्यू आ गई, यू एन प्लस वन की वैल्यू आ गई, यू एन माइनस वन की वैल्यू आ गई और डी टू यू एन अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है। ये सारे मान हमें चाहिए थे किसमें? समीकरण एक में। सारे मान में समीकरण एक में रख लेता हूं। तो रखो, देखें एम इन टू डी टू यू एन अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? माइनस ओमेगा स्क्वायर इन टू यू एन है कि नहीं है? इज इक्वल टू बीटा इंटू यू एन प्लस वन की वैल्यू क्या है? ई की पावर माइनस आयोटा के ए डॉट यू एन प्लस यू एन माइनस वन। यू एन माइनस वन की वैल्यू कितनी है? ई की पावर आयोटा के ए डॉट यू एन और माइनस टू यू एन। कोई दिक्कत इसमें यहां तक? अब मैं ये सारे के सारे मिटा देता हूं इसके, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। ये सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना है, सॉल्यूशन हमने क्या माना था? अब देखो यहां से हमारे पास क्या आएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। यू एन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है यू एन। यू एन क्या कर देते हैं अपन? काट देते हैं इस समीकरण में से। तो इज इक्वल टू बीटा इंटू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आयोटा के ए प्लस एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा के ए माइनस टू। कोई दिक्कत है इसमें? इज इक्वल टू राइट साइड में बीटा इंटू ई की पावर आयोटा के ए प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के ए माइनस टू। इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है। ये एक फॉर्मूला होता है हमारा, ए की पावर आयोटा के ए प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के ए। इसको मैं क्या कर दूं? ऊपर नीचे दो से गुणा कर लूं इसको। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा वो किसका है? कोस के ए का फॉर्मूला है। तो इसको लिख सकते हैं क्या? बीटा इंटू टू कोस के ए माइनस टू लिख सकते हैं। इसमें से टू बाहर निकाल लेता हूं मैं, इज इक्वल टू टू बीटा कोस के ए माइनस वन। कोई दिक्कत है क्या? माइनस का साइन भी इसमें से मैं बाहर निकाल लूं तो माइनस टू बीटा वन माइनस कोस के ए। ये फिर से एक फॉर्मूला है, वन माइनस कोस थीटा किसके बराबर होता है? टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर चल रहा है? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर के। तो माइनस से माइनस कट गया, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या? एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टू बीटा इंटू वन माइनस कोस के ए। इसकी वैल्यू कितनी है? टू साइन स्क्वायर के ए अपॉन टू के बराबर। आएगी कि नहीं आएगी? यहां से लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दो और दो चार, फोर बीटा इंटू साइन स्क्वायर के ए अपॉन टू। ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? फोर बीटा साइन स्क्वायर के ए अपॉन टू और डिवाइडेड बाई एम। अगर मैं ओमेगा निकालता हूं यहां से तो वो कितना आ जाएगा? अंडर रूट फोर बीटा अपॉन एम, और साइन स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा? साइन के ए अपॉन टू। प्लस माइनस आएगा, लेकिन ओमेगा हमारी फ्रीक्वेंसी है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। इसमें क्या लगा दो आप? मोड लगा दो। अब देखो यहां से हमारा टारगेट क्या था? डिस्पर्जन रिलेशन। टॉपिक का नाम देखो, डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ लीनियर मोनो एटॉमिक सॉलिड, यही था।
क्या चाहिए था हमें, ओमेगा और के में रिलेशन। देखो यहां पे लेफ्ट साइड में ओमेगा है और राइट साइड में क्या है, के है कि नहीं है। तो ये हमारा जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है, मोनो एटॉमिक सॉलिड्स के, लीनियर मोनो एटॉमिक सॉलिड के लिए डिस्पर्जन रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्पर्जन रिलेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस डिस्पर्जन रिलेशन जो हमने निकाल लिया है उसका डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन का मतलब ये मैक्सिमम कहाँ होगी फ्रिक्वेंसी, कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी है वो सॉलिड में से गुजर पाएंगी, कौन सी नहीं गुजर पाएंगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।